दोस्तों, आज हम जिस कोविड महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, क्या आपको ये मालूम है कि कोविड की वजह से जितनी डेथ नहीं हुई उससे ज़्यादा मृत्यु हमारे देश में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से होती है। हर साल करीब 1.5 लाख व्यक्ति की डेथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से होती है। इनमें 70% मरीज ऐसे होते हैं जो कि यंग होते हैं, जो कि किसी परिवार के इनकम के स्रोत हो सकते हैं, और 50% डेथ इनमें ऐसे मरीजों की होती है जिन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल सका, जिन्हें आपने या हमने सही समय पर रोड से उठा के हॉस्पिटल में इलाज के लिए नहीं पहुंचाया। मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, कंसल्टेंट एंड हेड इमरजेंसी डिपार्टमेंट NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आज आपके समक्ष रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि किसी मरीज का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हमें वहाँ पे रोड साइड में क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऐसे मरीज को सीधे लेटाएं, उसे हिलने डुलने से बचाएं, खासकर उसकी गर्दन को, ताकि उसे और चोट ना आ पाए। दूसरा, अगर मरीज को कहीं से रक्त स्त्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे हम एक टाइट कंप्रेशन बैंडेज या पट्टी बांध सकते हैं उसके ब्लड को रिसाव होने से रोकने के लिए। अगर किसी मरीज को फ्रैक्चर है, हड्डी टूट गई है हाथ की या पाँव की, तो उसको जितना हम हो सके इमोबिलाइज, स्थिर रखें, किसी सहारे से बांध के, बैट, कोई भी किसी लकड़ी का पट्टा हो या किसी भी तरह से उसे बांध के उसे स्थिर रखा जाए, ताकि उसको डैमेज और दर्द कम हो सके। एक्सीडेंट में हमें ये जानना जरूरी है कि जो एक्सीडेंट के बाद जो पहला घंटा होता है उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर में अगर मरीज को सही समय पे सही इलाज, सही डायग्नोसिस और सही उपचार हो जाए तो काफ़ी हद तक हम ऐसे मरीज की जान बचा सकते हैं। इस तरह के मरीज को जब भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है तो हम पहले ये पता लगाते हैं कि मरीज को किस किस हिस्से में चोट आई है और उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए। मरीज को स्टेबल किया जाता है। मरीज के ब्रेन में चोट हो सकती है, फेस में हो सकती है, छाती में, चेहरे, छाती, पेट में, या फिर किसी हड्डी का टूट जाना, जो कि जानलेवा चोटें हो सकती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे मरीजों को एक ऐसी हॉस्पिटल में लेके जाएं जहां पे एक ट्रॉमा टीम अवेलेबल है और दूसरे बैकअप, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट की बैकअप अवेलेबल है, जो कि मरीज को अन्य बीमारियों के इलाज भी प्रदान कर सकते हैं। एक ट्रॉमा टीम में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अलावा एक न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, जनरल सर्जन की यूजुअली हमें ज़रूरत पड़ती है इलाज के दौरान। इसके अलावा कई बार अगर आंखों में चोट लगी हो या फिर आँख, कान, गले में कोई चोट लगी हो तो हमें ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट और ENT डॉक्टर की भी सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पर मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि किसी भी मरीज का अगर एक्सीडेंट होता है तो ये उपाय अपना के उसे तुरंत से नियरेस्ट मल्टी स्पेशलिटी ट्रॉमा केयर सेंटर में लेके जाएं। इसके अलावा मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस ऐसी स्थिति में कोई ना पहुँचे, इससे बचने के लिए कृपया जागरूक हो जाएं। अगर आप टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं तो हेलमेट पहने, अपने पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनाएं ताकि वो भी एक्सीडेंट होने पर बच सके चोटों से। और अगर आप फोर व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सीट बेल्ट का प्रयोग करें। ड्रिंक एंड ड्राइव, अल्कोहल पी के ड्राइव ना करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट, फ़ोन पे बातें करते करते एक हाथ से ड्राइव ना करें, क्योंकि सतर्क रहना और बचाव करना ही हमें एक्सीडेंट से और उसके द्वारा होने वाले नतीजों से बचा सकता है। धन्यवाद।